कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालत इतने अधिक बिगड़ चुके हैं कि अब इससे डरना जरूरी हो गया है। लापरवाही का गंभीर परिणाम हर रोज देखने को मिल रहा है। झारखंड में कोरोना रोज अपना नया रिकॉर्ड बना रही है। दूसरी लहर में जहां प्रत्येक दिन मिलने वाले नए संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, वहीं होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए फिर से जिला प्रशासन पूरी सजगता के साथ अपने दायित्व को निभाने के लिए तैयार है। धनबाद जिला लगातार निकल रहे कोरोना पॉजिटिव एवं संक्रमित मामलों को देखते हुए झरिया शहर में लगातार उड़नदस्ता चलाया जा रहा है। ASI संतोष रजक ने बताया कि सड़क पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को उड़नदस्ता में बिठाकर गोविंदपुर सैनिटाइजेशन कैंप ले जाया जा रहा है, जहां कोरोना से बचाव हेतु जागरूक किया जा रहा है। शनिवार को भी झरिया शहर में उड़नदस्ता चलाया गया। इस दौरान कई लोग बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दिए। उन्हें उठक बैठक कराई गई, इसके बाद उन्हें मास्क और देकर छोड़ दिया गया। उड़नदस्ता की टीम ने छोटे छोटे बच्चे और महिला पुरुषों के बीच मास्क बांटा। निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं छात्रों को भी कोरोना के प्रति जागरूक। कैंपेन चलाया जा रहा है, ये किस लिए और कैसे चला रहा है? ये मास्क का कैंपेन जो आज चलाया जा रहा है, इसमें किस लिए और कितने लोग पकड़ा रहे हैं, क्यों पकड़ा रहे हैं सर? रोज दिन लोग पकड़ा रहे हैं, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे या फिर जो लोग कोरोना का ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या जो लोग प्रशासन को कुछ नहीं समझ रहे हैं, उन्हीं लोगों को पकड़ करके ले जाया जा रहा है गोविंदपुर में जंत्री में। वहाँ पर इन लोगों को कोरोना से रिलेटेड जागरूक किया जा रहा है। और हाँ, और कुछ लोगों को जैसे कि बहुत मजबूरी है तो कुछ लोगों को हम लोग छोटा मोटा सजा दे करके भी छोड़ दे रहे हैं। सर, आज देख रहे थे आप कोचिंग क्लास गए, वहाँ बच्चों को भी समझाएं मास्क के प्रति, सर उसमें क्या कह रहे हैं? हाँ, बच्चों को समझाना सबसे आवश्यक है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा समझदार होते हैं। बच्चे कोई भी चीज़ को एक बार में कवर करते हैं और कोचिंग में एक साथ बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग कोचिंग जा करके समझाते हैं मास्टर्स को भी और बच्चे को भी। टीचर को ये बोलते हैं कि कोई भी बच्चा बिना मास्क का नहीं, और बच्चे को समझाने से होता है कि एक साथ बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, ताकि वो घर में जाए और अपने घर वाले को और आस पड़ोस के लोगों को समझाए, और इससे मैक्सिमम सफलता हम लोग को मिलती है। सर, आज देखा जाए बहुत जन को आपने पकड़ा है लेकिन पनिशमेंट देकर छोड़ा है, तो सर वैसे लोग बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, कुछ लोगों को पनिशमेंट देकर भी छोड़े हैं, जिन लोगों को हम देख रहे हैं कि जिन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है गोविंदपुर से यहाँ लौटने के लिए, हाँ, उन लोगों को यहीं पर छोड़ दे रहे हैं कुछ छोटा सजा देकर के, जैसे कि लॉन्ग जंप करा करके इसे छोटा मोटा सजा देकर के छोड़ दे रहे हैं। और उन लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम से मास्क पहने और इसका पालन करें, और मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मास्क बांट भी रहे हैं, हमारी टीम है जो कि मास्क बांट रहे हैं। ठीक है।